नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चांडिल स्टेशन डाक बंगला में आजसू छात्र संघ का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो मौजूद रहे। सम्मेलन में वक्ताओं और अतिथियों ने संगठन को मजबूत बनाने और छात्र हित में काम करने को कहा। अतिथियों ने विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन करने की अपील की। सम्मेलन में छात्र नेताओं ने जिलाध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष व सचिव पद के लिए आवेदन दिए। इसमें जिलाध्यक्ष पद के लिए दुबराज महतो, धर्मराज प्रधान, संतोष प्रजापति, परमेश्वर प्रमाणिक, महासचिव के लिए परमेश्वर प्रमाणिक, उपाध्यक्ष पद के लिए चंचल साहुआ, सचिव के लिए गोपाल गोप ने अपनी दावेदारी पेश की। विमलेश मंडल ने बताया कि जिलाध्यक्ष पद के लिए एक से अधिक दावेदारी आने के कारण जिला कमेटी के किसी भी पद पर निर्णय नहीं हो पाया। जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों का आवेदन केंद्रीय समिति को भेजी जाएगी। केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई होगी। मौके पर आजसू पार्टी केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो ने संबोधित करते हुए कहा कि स्कूलों कॉलेजों के विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्र संघ के नेता व कार्यकर्ता आंदोलन करें, विद्यार्थियों के हित में काम करें। हरेलाल महतो ने कहा कि छात्र राजनीति से ही राजनीतिक पारी की शुरुआत होती है। यह राजनीतिक जीवन की बुनियाद होती है। अपने बुनियाद को मजबूत बनाने में जोर दें तो निश्चित रूप से आपका राजनीतिक जीवन सफल होगा। हरेलाल महतो ने छात्र संघ के नेताओं व कार्यकर्ताओं को कहा कि संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करें, हर तरह से मदद करेंगे। आज छात्र संघ सरायकेला का समा जिला सम्मेलन का आयोजन चांडिल स्टेशन स्थित डाक बंगला में किया गया है। आज इस सम्मेलन के माध्यम से अध्यक्ष और महासचिव और अन्य पदों की घोषणा करना था, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए तीन दावेदार होने के नाते आपसी सहमति नहीं बन पाई, इसलिए जिन्होंने अपना दावेदारी पेश किए हैं उनका नाम केंद्रीय कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। जिनका चयन होगा प्रेस मीडिया के माध्यम से उनका चयन कर दिया जाएगा। ये केंद्रीय कमेटी के पास भेज दिया जा रहा है।